बता दीजिए ताकि रिकॉर्ड सही से हो जाए, हम लोग समझा पाए। सबसे पहली बात यहाँ पर भाषा है, भाषा में जाएंगे और भाषा को हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं, संस्कृत भाषा भी आ रही है, इंग्लिश कर लिया। नेक्स्ट आई एग्री, हम लोग क्या करेंगे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जब ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो वाईफाई से कनेक्ट होने पर ये वेरिफिकेशन हमारे पास खड़ा करेगा, कैन नॉट बी रिक्वेस्ट, कोई पर्सन है अपना हॉटस्पॉट चालू करिए, इसके साथ एंटीना नहीं लगा है ना, तो एंटीना ना लगने की वजह से इसको वाईफाई मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, यही ना। ये चंद्र प्रकाश पासवर्ड 2 8 बार देना, 2 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8 ना, ठीक है। ये देखिए हमारा फोन कनेक्ट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पहली बात इसमें चेक करेंगे फाइव लॉक लगा है कि नहीं लगा है। जस्ट ए मोमेंट, नेक्स्ट ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो हमको पता नहीं। तो यहाँ पर चेक करने के बाद ये चेक कर रहा है कि इसमें जीमेल आईडी लॉक है कि नहीं है, जैसे वेरिफिकेशन करेगा तो यहाँ पर लॉक के लिए आपके सामने खड़ा कर दे। देखिए फाइव पी लॉक लगाया, वीवो Y20, Y20i, Y20a जितने मॉडल आते हैं इन सबके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू आता है, क्वालिकॉम सीपीयू में आइडियल पॉइंट होता है, फाइव पी लॉक लगाए। चलिए चंद्र प्रकाश जी आप इस मोबाइल फोन का फाइव पी लॉक करिए, पहले हम लोग इस मोबाइल फोन को क्या करेंगे बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के लिए आप ऐसे भी स्विच ऑफ कर सकते हो या बैटरी हटा सकते हो, सीधी सी बात है, बैटरी हटाइए। बैटरी हटाने के बाद बैटरी का पत्ता फिर से आप लगा दीजिए। अब हमको अपने मोबाइल फोन को सिस्टम पे कनेक्ट कराना है, तो मोबाइल फोन हमारा क्वालिकॉम सीपीयू है तो कैसे कनेक्ट होगा, हाँ आइडियल पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। आइडियल पॉइंट कहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट ईडीएल दिया हुआ है, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके हमको कनेक्ट करा के दिखाइए स्क्रीन में, जितने भी सारे लोग हैं, जो लोग सब लोग देख रहे हैं वीडियो में। कहाँ पर जाओगे पहले आप, हाँ डिवाइस मिलियम जाइए, ये नीचे दिया हुआ है, आप चाहो तो यहीं से भी जा सकते हो, अनलॉक टूल में जाइए। हाँ अनलॉक टूल में वहां पर देखो डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आता है, हाँ आ रहा ना, ओपन करिए। हाँ पोर्ट में जाइए, पोर्ट में क्लिक करिए, पहले एरो पे क्लिक करिए, एरो पे क्लिक करना होता है। हाँ चलिए कनेक्ट कराइए, कनेक्ट कराइए, पहले चिमटे से शॉर्ट कराइए फिर डीएल लगाइए। तुम पहले घुसे दुकान में हटाओ, हाँ पहले चिमटे शॉर्ट कराओ, आप देखिए आपका मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा। अगर आप देखेंगे सर थोड़ा सा पास में करके जूम करके दिखाइएगा, ये देखिए हमारा क्वालिका मैसेज कॉम 13 करके पोर्ट बना रहा है ना। अब हमारा फोन कनेक्ट हो गया है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, बिल्कुल। अब हमारा वीवो का फोन है तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, जाएंगे ये हमारा वीवो का Y20i मॉडल है तो कहाँ पर जाएंगे, मॉडल सर्च करेंगे वीवो Y20, बैक करिए स्पेस Y20, हाँ आ गया वीवो Y20, हाँ ये ले लीजिए, बिल्कुल। अब आप फैक्ट्री रिसेट में करिए, ओके बस रुक जाइए, अभी सॉफ्टवेयर चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, देखो सॉफ्टवेयर चला, ऑप्शन चला, ओके ओके ओके, हैंडशेक ओके, सॉफ्टवेयर चलेगा, रिबूटिंग इन्फॉर्मेशन ओके, और आपके सामने ये मोबाइल फोन लॉक खुलने वाला, ये देखो ओके रेडी। अब हमारा मोबाइल फोन क्या हुआ, फॉर्मेट भी हो गया, यूजर डाटा फॉर्मेट FRP ओके, सारा कुछ ओके, हमारे मोबाइल फोन का लॉक खुल चुका है। डाटा केबल हटाइए, हाँ फोन ना चालू तो बैटरी निकाल के दोबारा लगाइए,
लगाइए, ऑना बटन के पास पहले दबाइए, फिर ऑना बटन दबाइए, क्योंकि ऑना बटन का पत्ता सही से टच नहीं होता ना, ऐसे दबाइए। अब चालू हो गया, हो गया, रख दीजिए। अब ये मोबाइल फोन चालू होगा, फिर से इसमें वाईफाई कनेक्ट मारेंगे, कनेक्ट मारने के बाद आगे जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पास चंद्र प्रकाश जी हैं, ये बिहार से रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से हो तुम? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। और ये मेरे पास जब आए थे सीखने के लिए, तो सर मोबाइल फोन के लाइन में बिल्कुल जीरो थे, और इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके पूरा अच्छे से सीखा हुआ है। और कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना था, ज्यादा कुछ खास नहीं आता था। उन्होंने उसको भी पूरा कवर किया, लैपटॉप लिया अपने लिए, सारा सॉफ्टवेयर उसमें लोड किया, सारे सॉफ्टवेयर इनके पास है। और उनके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को लॉक खोल लेते हैं और ये सीख के जाएंगे, अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चलाएंगे, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाएंगे, और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अपना अच्छी तरीके से काम करेंगे। कहेंगे कि ये मोबाइल फोन का फिलहाल लॉक खुला है कि नहीं खुला, वो मैं आपको सामने पूरा कवर करके बताता हूँ। ऐसे में भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, मोबाइल फोन को ठीक करते हैं, मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। मोबाइल फोन में आज के दौर पर देखा जाए, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम स्मार्टफोन में बहुत आता है, जिसमें से लॉक तोड़ने का है, FRP का है, पासवर्ड तोड़ने का है, MI अकाउंट का है, सैमसंग अकाउंट का है, ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन के अंदर लॉक लग जाते हैं। लेकिन जो दुकान वाले होते हैं, वो आज मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर, काम्बो सिर्फ वहीं पर सीमित रह गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो बच्चा ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, वो पूरा सीख के जाता है। पूरा सेटअप करिए, हाँ सेटअप करिए, फोन को हाथ में उठा लीजिए, कई बार फोन नहीं चलता तो हाथ में ले लेना होता है, जैसे बच्चा रोता है ना तो गोदी में लेना पड़ता है, इसे ये भी है। नेक्स्ट करिए, अभी नहीं, वाईफाई कनेक्ट करिए, अब इसका टूटा कि नहीं टूटा फिर वेरीफाई करेगा, तभी तो वहां पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट होगा। अगर नेक्स्ट कर देंगे तो वही जलेबी तरह घुमा कर फिर खड़ा कर देगा, ठीक है? हाँ अभी हमारा मोबाइल फोन पूरा चालू हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल फोन पूरा चालू हो जाएगा, तो चालू होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस मोबाइल फोन का लॉक टूटा कि नहीं टूटा आपके सामने। और चंद्रप्रकाश जी के लिए बहुत एक तालियां बजती हैं, ताकि उन्होंने मोबाइल फोन का लॉक खोला है। ऐसे हमारे सामने कई और भी सारे मोबाइल फोन का लॉक खोल चुके हैं। चेकिंग अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्किप का भी ऑप्शन आएगा। स्किप का ऑप्शन आ गया तो समझ लीजिए हमारे FRP ओके हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, दिखाई दे रहा है। स्किप स्किप करिए, स्किप बस, लास्ट तुम्हारा टूट गया, टिंग टिंग आगे बढ़ जाइए, स्किप नेक्स्ट, इसके यूज ना हो। तो ये देखिए हमारा मोबाइल फोन का लॉक टूट गया है, और चंद्रप्रकाश जी ने इस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ दिया है। चंद्रप्रकाश जी आप बताइए थोड़ा सा वीडियो में अपने बारे में, क्या क्या सारी चीजें सीख चुके हैं, ताकि और भी लोग जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास आकर के सीख सकते हैं, कैसे सिखाया जाता है आपको। दोस्तों मैं बिहार से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं मोबाइल रिपेयर का कोर्स सीखने के लिए मैं बिल्कुल तरह से कंप्लीट, मेरा कोर्स भी हो चुका है, और मैं कुछ दिन से और
कम होने के बाद कुछ दिन से मैं सीख रहा हूँ, जो मेरा डाउट था मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, और मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और मैं कुछ दिन बाद अपने मैं शॉप खोलूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यहाँ सीखने बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी एक बार यहाँ के विजिट करके देखिए कैसा लग रहा है। थैंक आप यू मोबाइल दोस्त। फोन में से, जो भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन में से कांबो डालना है, ग्लास चेंज करना है, कनेक्टर डालना है, सॉकेट डालना है, आईसी भी बोलेंगे, ये सारा काम कर लेते हाँ हैं, सर, ये सारे काम अब इजी से हो जाता है। तेजी से हो जाता है। नहीं क्या पहले आप काम जानते थे? ये सर, पहले बिल्कुल कुछ भी ना पहले जानते कुछ थे। नहीं जानते थे, मतलब सारा सब कुछ आपने यही सीखा हुआ है। हाँ सर, आपको मेरे पास कितना टाइम हो गया? कितने तारीख को आए थे? सर आए थे 22 तारीख को आए थे, 22 तारीख को आए थे। मेरे पास इनको कम से कम 2 से 2 ढाई महीना होने जा रहा है, दो रहे मैंने। 2 ढाई महीना होने जा रहा है। इन्होंने पूरा 1.5 महीने का कोर्स किया, ये बिल्कुल फ्रेशर थे, जीरो थे, सीख गए, लेकिन सीखने के बाद इनका प्रैक्टिस में हाथ हल्का रह गया। तो इन्होंने बोला कि सर मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं महीने 15 दिन और रुकूंगा आपके पास, और पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके जाऊंगा। इन्होंने मेरे कहने से लैपटॉप भी खरीदा, सॉफ्टवेयर भी लिया, और आज जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ते हैं। इसी तरीके से हम फोन देते हैं तो भी मोबाइल फोन का लॉक तोड़ते हैं। मोबाइल फोन में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। और इनका मेरी तरफ से अच्छा है कि बढ़िया इन्होंने अच्छा सीखा है सब चीजें, और जा करके अपने बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से काम करेंगे जा करके। अगर भविष्य में चैनल पर जी तुमको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप कभी किसी चीज को लेकर के परेशान निराश मत होइएगा, हम आपके भाई की तरह हैं। कभी कोई दिक्कत आती है तो आप आ करके उस चीज को हमसे सीख सकते हो। एक दिन 2 दिन की आने वाली बात है, कभी भी आप आ सकते हो जिंदगी में, क्योंकि ये टेक्निकल जमाना है, टेक्निकल कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। आप जितना सीखते रहोगे उतना आगे बढ़ते रहोगे, और इसमें जितनी नई नई चीजें आती रहती है, जितना हमको अनुसरण होता रहेगा, जितना हमको नॉलेज होता रहेगा, उतना हमको और आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो आप अच्छी तरीके से सीख करके जाइए, बढ़िया तरीके से काम करिए। और आज ये जो वीडियो बनाई, आज दशहरा के दिन है, तो सभी बच्चों का फेस्टिवल है, तो उसमें काफी बच्चे अपने घर गए हुए हैं। आप लोगों को भी दशहरा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि आप लोग भी अपने फैमिली में रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग को पूरा अच्छी तरीके से काम करिए। और जो लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त अपने आप क्वेश्चन मत रखिए, आप अपने आप को पूरा कंप्लीट करिए। कैसा कंप्लीट करिए? बिल्कुल टिंच, ऐसा कि बस आपसे काम ना हो तो कहीं ना हो, और सारे काम को आप अपने हाथों से करके दें। उसके लिए बस खाली हमको दोस्त एक अपने हाथ में स्किल और एक हुनर सीखने की जरूरत है। अब वो मेरा आपसे वादा है, अगर आप कानपुर आएंगे, कानपुर में सागर मार्केट में ट्रेनिंग पड़ता है, यहाँ पर आएंगे तो इस बात का 100% वादा है कि आप सीख करके ही जाएंगे। हम लोग आपको यहाँ पर 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। सभी मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक, 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का कंप्लीट सफर तय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।